नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। काशीपुर में आज एचसी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज में संस्थान के संस्थापक सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के डायरेक्टर आर डॉक्टर अंजन रे ने संस्थान को राज्य सरकार की ओर से प्राप्त 10 एकड़ कृषि भूमि में बायोडीजल प्लांट लगाने की घोषणा की। वहीं कार्यक्रम में लोक निर्माण पर्यटन और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधि परिसर के आभासी न्यायालय का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि सत्येंद्र चंद्र गुड़िया विकास के प्रेरणा स्रोत थे। वहीं काशीपुर के विकास में उनका अहम योगदान रहा। वो जो कहते थे वो हसमुख भाव से करते भी थे। वहीं इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे ने संस्थान को राज्य सरकार की ओर से प्राप्त 10 एकड़ कृषि भूमि में बायोडीजल प्लांट लगाने की घोषणा की और उन्होंने बताया कि काशीपुर में बायोडीजल प्लांट लगने से सभी को फायदा पहुँचेगा। निश्चित रूप में बायोडीजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है और जेट फ्यूल भी इसमें से निकाल रहे हैं, तो उसमें भी हमारे वायुयानों को ईंधन मिलेगा। तो ये अच्छा, मैं समझता हूँ सस्ता भी होगा और अच्छा ये उपयोग है कि हम खराब ऑयल का यह है इस्तेमाल करें। डॉक्टर दीपिका गुड़िया ने कहा कि आज का दिन वो दिन है जब पिताश्री हमें छोड़कर आत्मा के अनंत रूप में विलीन हो गए थे और हम उनकी पुण्यतिथि को शोक दिवस के रूप में नहीं बल्कि हर साल विकास के नए संकल्पों के रूप में मनाते हैं। वो भले ही अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी हमें नई ऊर्जा और ताकत देते हैं। वो हमेशा ही हम सबके दिलों में जीवित हैं। आज मेरे पिता स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की 12वीं पुण्यतिथि है और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वैसे तो ये आज उनका अवसान दिवस है जिस दिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन जैसे कि उनका पूरा जीवन उद्देश्यों से, प्रयोजनों से और समाज सेवा से भरपूर रहा, उनकी हमेशा से इच्छा थी कि कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए और बहुत सारे सपने उनके अधूरे भी रह गए थे जिसे वो पूरा करना चाहते थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी ये संकल्प लिया कि उनकी पुण्यतिथि पर यही प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ नया हो।